Hello aspirants, good evening. Welcome to Kochap ISE Learning Platform. Myself Manish Shukla और आज मैं आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला मॉड्यूल कंटिन्यू करवाऊंगा. सो इस मॉड्यूल में जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वहाँ पे हम क्लास 9th की NCERT में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग. ठीक है, इस चैप्टर को हमको इन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ना था. ठीक है, इसमें से जो पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ पीपल एज रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर? एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हों तो पहले जाके उसको एक बार देख लें, फिर कंटिन्यूम में आगे के लेक्चर्स करें. क्लियर? तो मीनिंग ऑफ पीपल एज रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल ये हम लोग कर चुके थे. ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी. क्लियर? आज जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं. ठीक है, हम पहले देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते किसको हैं, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने प्रकार की हो सकती हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर. क्लियर? तो आज इन तीन टॉपिक्स पे डिस्कशन हमारा रहेगा. लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, कि कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको हमको ह्यूमन कैपिटल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इसको एजुकेशन देना पड़ेगा, इसको हेल्थ देनी पड़ेगी और स्किल लेनी पड़ेगी. तो ये डिस्कशन हो रखा था, आज के लेक्चर में हम ये तीन चीज़ें करेंगे. क्लियर? तो चलते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं. आर्थिक क्रियाएँ, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो इसका मतलब क्या है. तो देखिए, कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती. आप अपने घर से छत पर तक जीने से चल के चले गए तो क्या ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं. क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जिस भी क्रिया में हो रहा होगा उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या है जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने योग्य है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज जहां पे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं. क्लियर? अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मूल्य होगा. क्लियर ना? वो मूल्य जो होता है वो जो ग्रॉस बन के आता है वो नेशनल इनकम बनाता है, हमारी राष्ट्रीय आय बनाता है. क्लियर? तो जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. पहली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा. ठीक है, और दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है वो आपकी नेशनल इनकम बनाता है, राष्ट्रीय आय बनाता है. क्लियर? तो ऐसी कोई एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकार. तो इस स्लाइड को जरा एक बार आप लोग देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं. अभी हमने क्या देखा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटी जहां पे वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर? तो जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके तीन प्रकार होते हैं। पहला टाइप है आपका प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। सेकेंड, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलेंगे। एंड थर्ड, इट इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्लियर? अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या है, ये कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये आपको देखना होगा। तो प्राइमरी सेक्टर में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जहां पे हम नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाली आर्थिक क्रियाएं, वो क्रियाएं हैं जहां पे हम अर्थ से कोई चीज का रिट्रीवल करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे कि वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक आपके पास लैंड है, उस पर सॉइल है और उस पर क्या हो रहा है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। क्लियर? जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन, आपके यहां गाय है, आपके यहां भैंस है, उससे आप मिल्क प्रोड्यूस करते हो। क्लियर? तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ऐसे ही फिशिंग, आपका मछली पालन, पाउल्ट्री। क्लियर? और प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होता है माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, जो आपका अर्थ का सरफेस है उसमें कहीं कहीं पे मिनरल्स की एक्सेस होती है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे आयरन और कोल ज्यादा है, तो उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना जो कि माइनिंग के अंतर्गत आएगा, ये सब किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जहां पे हम अर्थ से, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल को रिट्रीव कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज से डिफर करती हैं, तो देखिए, जो कुछ भी आप प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर से आपने यहां पे क्या प्रोड्यूस किया था, वीट, गेहूं, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल वीट आपने प्रोड्यूस किया, इसको आप जब क्या कर देते हो, प्रोसेस कर देते हो, इस वीट को आपने कन्वर्ट कर दिया आटे में, ठीक है, उस पर कई सारे प्रोसेसेस करे, क्वालिटी चेक की, उसके बाद उसको पैक कर दिया। तो कहने का मतलब, जब आप रॉ मटेरियल पे डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो उससे जो प्रोड्यूस होता है, जो भी गुड्स उससे प्रोड्यूस होगा, जो भी वस्तु बनेगी, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका पार्ट होती है, आपके सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीयक क्षेत्र का। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में जो कुछ भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका यूज करके, उस पर कई सारे प्रोसेसेस अप्लाई करके हम डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये आपके सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे माइनिंग। अब माइनिंग से आपने, मान लीजिए यहां पे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, आयरन माइन थी, उससे आयरन आपने एक्सट्रैक्ट किया। अब इस आयरन पे
आप डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करते हो और क्या मैन्युफैक्चर कर देते हो, स्टील रॉड। क्लियर? तो आयरन से जो माइन करके आयरन या लौह निकला उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करके एक स्टील रॉड के गुड को आप क्या कर दे रहे हो, प्रोड्यूस कर दे रहे हो। तो ये जो विनिर्माण हुआ यहां पे, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई स्टील रॉड की, वो कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, सेकेंडरी सेक्टर की। क्लियर? क्लियर हुआ डिफरेंस? सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती हैं, जहां पे आप प्राथमिक क्षेत्र के जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पे प्रोसेसेस करके किसी भी गुड्स का, किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्लियर? अब हम बात करें टर्शरी सेक्टर में हम किसको रखते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा था, गुड्स, वस्तुएं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर जो आपका होता है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में आपके क्या इंक्लूड होता है, सर्विसेस या सेवाएं। यह डिफरेंस होता है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड, जो प्रोड्यूस, जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं। जैसे पैक्ड आटा, जो वीट प्रोड्यूस हुआ था उसको प्रोसेस करके आपने पैक्ड आशीर्वाद का आटा बना दिया। जैसे जो आयरन यहां पे प्राइमरी सेक्टर में आपने माइन किया था, उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करके स्टील रॉड का मैन्युफैक्चर कर दिया। तो ये सब गुड्स हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। टर्शरी सेक्टर में आपके सर्विसेस इंक्लूड होती हैं। जैसे बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड में क्या होता है, एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो व्यापारी एक मान लीजिए जीन्स की पैंट 100 रुपए में होलसेल मार्केट से खरीद के लाता है, क्लियर, और वो किसी टाउन में, छोटे टाउन में उसी जीन्स की पैंट को अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके क्या कर देता है, 200 रुपए में बेच देता है। तो इसने क्या करा, यहां पे एक सर्विस प्रोवाइड करी कि नहीं, जो व्यक्ति यहां पे जीन्स खरीदना चाहता है उसको इसने सर्विस दी कि नहीं, सेवा दी कि नहीं, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या होता है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है, जहां पे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसे ही हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर है वो एक व्यक्ति को या उसके माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और इसके बदले इससे क्या वसूलता है, ये फी। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ऐसे ही बैंकिंग, ऐसे ही बात करें एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, सर्विसेस हैं, सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये सेवाएं वाला जो पार्ट होता है, सर्विसेस वाला जो पार्ट होता है, वो टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। क्लियर? तीन टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें आप नेचर से रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन या रिट्रीवल करते हो, उस पर जब डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करते हो, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाता है। जहां पे सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो आपका टर्शरी सेक्टर होता है। क्लियर? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स को हम किसी दूसरे तरीके के क्लासिफिकेशन से देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये मार्केट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। तो इसको जरा एक बार आप लोग देख लीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पे किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विस का क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब ये जो गुड्स एवं सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ, इसको आप मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं,
अगर ऐसा है कि आपने किसी गुड का प्रोडक्शन किया जिसको आप मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या हम बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बाजार आधारित आर्थिक क्रियाएं। और अगर हम उस गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हैं? सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक फार्मर ये प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रोड्यूस करता है? वीट का प्रोडक्शन करता है। अब ये वीट जो इसने प्रोड्यूस किया, अगर ये मंडी में जाके इसको सेल कर दे तो ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और अगर इस वीट को ये खुद के सेल्फ कंजम्पशन में यूज करे तो ये कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नॉन मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को जरा एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, खासकर अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया कैसा समाज है, इंडिया कैसी सोसाइटी है? एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है, आप क्या इंश्योर करते हो कि जो मेल है उसका डोमिनेशन बना रहे फीमेल पे, प्रभुत्व बना रहे उसका फीमेल पे। अब अगर फीमेल पे डोमिनेशन एस्टेब्लिश और कंटिन्यू करना है तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये जो फीमेल है ये कभी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो पाए, आर्थिक रूप से ये स्वतंत्र ना हो पाए। मतलब इसके पास अपनी इनकम का कोई सोर्स ना हो। जब इसके पास खुद की कोई इनकम नहीं होगी तो ये हमेशा डिपेंडेंट होगी पैसों के लिए मेल पे। और ये क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा कि मेल फीमेल को डोमिनेट करता रहे। ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी है हमारे यहां पे जहां पे ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से इंश्योर किया जाता है कि मेल का डोमिनेशन बना रहे फीमेल पे। ठीक, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, क्योंकि हिस्ट्री में खासकर मिडिवल पीरियड में ये इंश्योर किया गया कि फीमेल्स को सब सर्वियंट बनाया जाए। कल्चरल रीजंस ये हैं कि हम मानते हैं कि जो फीमेल होती है वो मेल के बराबर काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से एक डिवीजन ऑफ लेबर नाम के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन होता है। अब ये अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पे हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मेल का डोमिनेशन बना रहे फीमेल पे, मतलब वीमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो पाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ये इंश्योर करते हैं जो महिलाएं हैं, वीमेन्स हैं, वो कौन सा काम करेंगी? वो घर का काम करेंगी, डोमेस्टिक वर्क करेंगी। किसी फैमिली में, किसी परिवार में जो महिला है उसके लिए कौन सा काम डिसाइडेड होगा ऑलरेडी? वो केवल और केवल घर का वर्क काम कर सकती है। और जो मेल काउंटर पार्ट है इसका, वो घर के बाहर जाके काम करेगा, आउटसाइड वर्क करेगा। वो फार्मिंग हो सकता है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, किसी सर्विस सेक्टर में। तो फीमेल के लिए जो काम है वो डिसाइड हो गया कि ये घर के अंदर का काम करेगी और मेल घर के बाहर काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन।
जहां पे ये श्रम, घर का श्रम कौन करेगा? महिला। और घर के बाहर का श्रम कौन करेगा? पुरुष। क्लियर? अब इससे होता क्या है? ऑब्वियस ही बात है, डोमेस्टिक वर्क जो होता है, जैसे घर में क्या काम करना होता है महिलाओं को, इनको या तो ये खाना बनाने का काम करेंगी, कुक्स फूड, बर्तन धोने का काम करेंगी, कपड़े धोने का काम करेंगी, और अपने बच्चों की देखभाल करेंगी, लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रंस। बट इस सब कामों के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, क्या इनको कोई पेमेंट मिलता है? क्या कोई इनकम जनरेट होती है इनकी? क्या नहीं? क्लियर ना? तो ये क्या इंश्योर हो जाएगा इससे, कि ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनी रहे इन पे। ठीक है? तो आपने डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट में क्या देखा, कि महिलाओं को ज्यादातर घर में डोमेस्टिक कामों में ही उनकी जिम्मेदारी रखी जाती है, डोमेस्टिक कामों से उनको किसी इनकम का जनरेशन नहीं होता है, और मेल काउंटर पार्ट जो होता है वो घर के बाहर काम करता है, वो इनकम जनरेट करता है, और वो अपना डोमिनेशन इस प्रक्रिया से बनाए रखता है। ठीक है? अब ये पॉइंट में हम यही देख रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो घर में डिफरेंट सर्विसेज डिलीवर करती हैं, खाना बनाना हो गया, सबसे बड़ी चीज है अपने बच्चों की देखभाल करना, पेरेंटिंग करना, ये जो सर्विसेज वीमेन डिलीवर करती हैं अपने घर में, उसके लिए इनको कोई पेमेंट नहीं होता है। ठीक है? और ना ही ये सर्विसेज जो वीमेन अपने घर में करती हैं उसको हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय में ऐड करेंगे। क्लियर ना? अभी हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जहां पे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा होगा उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। वीमेन अपने घर में जब अपने बच्चों की देखभाल करती है तो एक प्रकार वो सर्विस दे रही होती है कि नहीं? उस सर्विस के बदले उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, और इसलिए उसको हम क्या नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं कर रहे हैं। क्लियर ना? समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमने देखा कि एक फैमिली में, विद इन ए फैमिली कैसे इंश्योर किया जाता है कि महिला घर का ही काम करेगी और पुरुष बाहर का काम करेगा, इससे महिलाएं जो हैं वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। फिर अगर कोई महिला घर के बाहर काम करने के लिए सोचती भी है तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं? तो ये चैलेंजेस हैं कि वीमेन्स को अगर घर के बाहर काम करना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना है, सर्विस सेक्टर में काम करना है, या कहीं भी कोई भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेना है, तो आपके पास किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? आप हाईली एजुकेटेड होने चाहिए और आपके पास स्किल या कौशल होना चाहिए। अब इन दोनों चीजों में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, चाहे आप लिटरेसी रेट या ओवरऑल एजुकेशन में देख लें, शिक्षा में देख लें, तो महिलाओं की जो शिक्षा है वो पुरुषों के मुकाबले कम है भारत में, और चाहे वो स्किल का पार्ट देख लें, कौशल का पार्ट देख लें। अब अगर एजुकेशन और स्किल होगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप घर के बाहर काम करना चाहेंगे भी तो आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में या हाईली पेड जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके अंदर एजुकेशन नहीं है और स्किल नहीं है। क्लियर? तो जो महिलाएं अपने घर के बाहर काम करना भी चाहती हैं तो उनके अंदर एजुकेशन और स्किल की कमी होने के कारण ज्यादातर महिलाएं किस सेक्टर में काम करती हैं इकोनॉमी के? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब ये बोलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? देखिए, दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट की डिफरेंट रेगुलेशंस को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है। जैसे कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या होती हैं, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है,
तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन आपको करवाने होते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वैसा नहीं होता है, ये विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर कोई है, कोई भी बिजनेस है, तो उसको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। एक उसमें से रेगुलेशन ये होता है कि उस बिजनेस में जो भी इम्प्लॉई हैं, उन इम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, सामाजिक सुरक्षा। इस सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पीएफ स्कीम। अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो मान लीजिए कि आप HDFC बैंक में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो जितनी भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस उन सबको फॉलो करता है, तो वहां पे HDFC बैंक को अपने हर इंप्लॉई का एक पीएफ अकाउंट खोलना पड़ता है। HDFC बैंक को अपने वीमेन इंप्लॉयज को क्रिच फैसिलिटी देनी पड़ती है, अपनी वीमेन इंप्लॉयज को मैटरनिटी लीव देना पड़ता है, अपने वीमेन इंप्लॉयज को सिक्योर करने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए। तो कहने का मतलब, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम जहां पे होता है, वहां पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये कुछ नहीं मिलता है, ये सारी जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलती है। अब विमेन्स जो हैं, महिलाएं जो हैं, क्योंकि उनका नॉलेज और स्किल दोनों कम है, इन जनरल सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा इनका नॉलेज और स्किल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी, तो ये किसी ना किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम करती हैं। अब क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगी, तो वहां पे ना ही इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज है जॉब कल निकाल दिया गया जॉब से, ठीक है, ना इनको कोई पीएफ का प्रोटेक्शन है, ना इनको मैटरनिटी लीव मिलती है, ना सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के लिए कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनी है, क्लियर ना। तो महिलाओं को, क्योंकि उनकी एजुकेशन और स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अगर वो घर से बाहर काम करना भी चाहती हैं, तो इन जनरल वो ज़्यादातर जॉब्स कहाँ पाती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इसकी वजह से उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्लियर। तो हमने देखा हमारी पॉपुलेशन का 50% अप्रॉक्स 49% वीमेन्स हैं, तो 49% जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उस ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि इसको हम एजुकेशन और स्किल दे ही नहीं रहे हैं। तो अगर एजुकेशन और स्किल नहीं देंगे, तो महिला ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेंगी, मानव पूंजी कैसे बनेंगी, नहीं बन पाएंगी, क्लियर ना। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता। जो जनसंख्या की गुणवत्ता होती है, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है, वो तीन चीज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। लोग कितना एजुकेटेड हैं, लोगों की हेल्थ का सिनेरियो क्या है, और लोगों के स्किल का लेवल क्या है, ठीक है। अगर एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, स्किल्ड हैं, तभी उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी उनको अच्छी इनकम मिलेगी, और वो इंश्योर करेगा कि लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी अच्छी हो, बेहतर हो। तो पॉपुलेशन की क्वालिटी बेहतर होने के लिए ये तीन फैक्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।